दोस्तों अगर आप भी एबी डिविलियर्स को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हाल ही में अमेरिका की क्रिकेट टीम, जिसमें कई देशों के खिलाड़ियों ने अपने देश से संन्यास लेकर अमेरिका की ओर से खेलकर अपने करियर की नई शुरुआत करी है, इन्हीं में से एक खिलाड़ी है जस करण, जो कि भारतीय मूल के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिका की ओर से बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके बाद तो उन्हें एबी डिविलियर्स का भी अनोखा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है और अब उनका नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको उनके इस रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है एबी डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में कब दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड पुराने हो जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, खासकर T20 फॉर्मेट में, जिसमें बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक के बाद एक नए और नायाब रिकॉर्ड बना देते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की सारी सीमाएं पार कर देता है और वो एक ही ओवर में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़ देता है। बता दे अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, किरण पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। वहीं अब भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर सनसनी फैला दी है। दोस्तों बता दे अमेरिका के भारतीय मूल के बल्लेबाज जस करण मल्होत्रा ने गुरुवार को पेपुआ न्यू गिनी के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इतिहास रच दिया है। ओमान में पेपुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेली जा रही दो वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जस करण ने तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 124 गेंदों पर 173 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में 16 छक्के और 4 चौके जड़े। साथ ही अमेरिकी क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने का अनोखा कारनामा भी किया। दोस्तों बता दें जस करण मल्होत्रा ने मैच के अंतिम ओवर में ये कारनामा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बता दें उन्होंने गोड़ी टोका के ओवर में ये कारनामा करके दिखाया, जब उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनके इस ओवर को पूरे आक्रामक रूप से टारगेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इस कोशिश में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा दिए। इससे पहले साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने साल 2007 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। जस करण वनडे क्रिकेट इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले गिब्स के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंडिया के युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं। दोस्तों बता दें जस करण ने 6 छक्के लगाकर हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और किरण पोलार्ड जैसे धुरंधर खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया और इसी के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट के सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एबी डिविलियर्स, जिन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है, जस करण ने उनका भी एक नायाब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें जस करण ने 123 गेंद खेलकर 173 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इस धमाकेदार पारी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बता दें जस करण ने वनडे मैच में 5 नंबर पर बल्लेबाजी करके सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना लिया है। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बता दें डिविलियर्स ने 2015 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए 66 गेंदों पर ताबड़तोड़ 162 रन बनाए थे। वहीं जस करण ने धमाकेदार 173 रनों की पारी खेली। दोस्तों जस करण ने तो एक धमाकेदार पारी खेलकर एक कई नायाब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपने नाम भी कर दिए। लेकिन दोस्तों आप जस करण की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।